हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीरीज का एक पहला ऐसा क्वेश्चन जिसको हम एक से ज़्यादा अप्रोच से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, देखिए, कोटेंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी 60 है, बी सी 80 है और सी ए इजिकल टू 100 है। डी, इस पर कोई ऐसा पॉइंट है कि ए सी पर डी कोई ऐसा पॉइंट है जिससे कि जो दोनों ट्रायंगल हैं ए बी डी और सी बी डी, इनके पैरामीटर्स जो है इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो बी डी की जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें यही देखना है कि हम बी डी की लेंथ को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके ये सवाल मैं इसलिए लाया क्योंकि मैंने कहा था, और अब मैं कुछ एक ऐसे सवाल आपके सामने लेकर आया करूँगा धीरे धीरे, कि जिनके एक से ज़्यादा किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये उसका एक पहला क्वेश्चन है उस सीरीज में। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि अगर इन दोनों के पैरीमीटर इक्वल हैं, तो मान लीजिए ए डी इजिकल टू ए है और सी डी इजिकल टू 100 - a, और बी डी दोनों में कॉमन होगा, तो हम यहाँ से फर्दर अगर सॉल्व करें तो ए डी इजिकल टू हमारे पास 60 आएगा और सी डी इजिकल टू 40। इतना होने से इन दोनों ट्रायंगल्स के पैरीमीटर इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमारा काम रह गया है सिर्फ इतना कि बी डी की लेंथ क्या है, तो वही फाइंड आउट हमको करना है। और ये कैसे करना है, ये आप देखिए इसकी पहली अप्रोच। तो यहाँ मान लीजिए कि एंगल ए सी बी हम थीटा ले लेते हैं, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉस थीटा जो है वो होगा आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, मतलब कि एटी अपॉन हंड्रेड, ठीक, यानी 8/10। लेकिन अगर हम ट्रायंगल बी सी डी को देखें बी सी डी, इसमें अगर मैं कोसाइन रूल लगा दूं, ध्यान दें कोसाइन रूल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 40² + 80² - BD² / 2 × 40 × 80। अब ये कोसाइन फॉर्मूला क्या है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास बचा, देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें नहीं पता है, वो बी डी, वो हम निकाल देंगे, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो फर्दर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा फर्दर सॉल्व होने के बाद, 248 यानी कि ये 5120 हो जाएगा, 5120 इजिकल टू 1600 + 6400 - BD² तो यहाँ से बी डी स्क्वायर हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा आपका बी डी स्क्वायर इजिकल टू हो गया 2880, यानी कि बी डी इजिकल टू 24√5, यानी कि जो बी डी की लेंथ है वो होगी 24√5। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट अप्रोच। तो ये हमने किया कैसे, क्योंकि हमने कॉस थीटा को थोड़ा ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी, और फिर हमने कोसाइन लगा दिया और बी डी की वैल्यू 24√5 आ गई। तो ये थी आपकी फर्स्ट अप्रोच किस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन यही नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी सेकंड अप्रोच। देखिए, इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी से हम ए सी पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक, और ये परपेंडिकुलर, इसको मान लीजिए पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक, ध्यान दीजिए कि परपेंडिकुलर है बी एम। तो इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी कहाँ है, ए बी सी जो है सिमिलर होगा बी एम सी के, और ये सिमिलर होगा ए एम बी। सिमिलरिटी कैसे यूज की जानी है, सिमिलरिटी पे हमारी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट ही
वैल्यूज निकालूंगा, आप देखेंगे बाई प्रैक्टिस ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो ध्यान देने वाली बात है कि सारे ट्रायंगल 3, 4, 5 के रेशो में होंगे, क्योंकि ए बी सी 3, 4, 5 में है, तो बाकी दोनों सिमिलर हैं, तो ये भी 3, 4, 5 रेशो में होंगे। तो अब देखिए ए बी एम में आप देखिए, जो ए एम है वो हो जाएगा 36, क्यों? क्योंकि जो ए बी है 3, 4, 5 है, तो 60 है और 5, तो 12 हो गया। और इसी तरीके से ये 3 है, तो 12, 3 यानी कि 36। अब ये 36 है तो एम डी इज इक्वल टू हमारे पास बचा 24, साथ ही एम बी 48 होगा। तो इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, बी एम डी ट्रायंगल को आप देखेंगे तो बी एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, तो ये हो गया 48 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ये आ गया 2880 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, यानी बी डी फिर से हमारा 24√5। इजी वन, समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करें, पॉज कर लें, सोचें, फिर से इसे देखें। तो ये प्रश्न मैंने बनाया सिमिलरिटी से, पहला मैंने बताया था आपको कोसाइन रूल से। तो ये हुई आपकी सेकंड अप्रोच, अब मैं बताऊंगा आपको थर्ड अप्रोच। देखिए इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये एंगल थीटा है और दोनों ए बी और ए डी 60 हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसलिए एंगल बी ए डी पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ तक सब क्लियर? ओके, अगर वो पाई माइनस 2 थीटा है और एंगल बी 90 है, इसलिए एंगल सी जो है वो हुआ 2 थीटा माइनस 90। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। तो हम फर्दर अब हम इसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इस बार यहाँ साइन रूल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले साइन रूल मैं लगाऊंगा ट्रायंगल ए बी डी में, यहाँ देखिए बी डी तो साइन पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन पाई माइनस 2 थीटा यानी हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि 60 के सामने वाला एंगल थीटा है, तो 60 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2 थीटा होता है 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, इसलिए बी डी इज इक्वल टू 120 कॉस थीटा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाती है। अब यही साइन रूल मैं दूसरे ट्रायंगल में लगाऊंगा, यानी ट्रायंगल सी बी डी। यहां हम देखेंगे बी डी अपॉन माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा होगा, इसलिए हम इसे डायरेक्ट कॉस थीटा लिख देंगे। कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos²θ-1, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए हम इसे लिख देंगे 1 - 2 cos²θ, ठीक। तो 1 - 2 cos²θ हम लिखेंगे इसे, देखिए बी डी अपॉन 1 - 2 cos²θ इज इक्वल टू 40 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो पहली वाली इक्वेशन हमको आई बी डी अपॉन 120, तो वही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 2 BD/120, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 40 अपॉन cos θ 120/BD। तो अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए BD² इज इक्वल टू 40 × 120 यानी 4800 माइनस, तो 120 ये कैंसल आउट होगा, तो ये बचेगा 80/120
BD2। तो ये हो गया आपका 2/3 यानी कि 5/3 और BD2 हो जाएगा हमारे पास 4800 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 यानी 2880। तो फिर से हमारे पास BD=24√5। तो यहाँ ये थर्ड जो अप्रोच थी ये मैंने साइन रूल लगाकर इसको किया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ये मैंने बस की, ये थोड़ी लेंथी रही, लेकिन कोई बात नहीं, डिफरेंट अप्रोच क्या हो सकती है, इसके लिए ये भी ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा एक और चीज़, यानी कि स्टीवर्ट थ्योरम। पढ़े आपने स्टीवर्ट थ्योरम? नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टीवर्ट थ्योरम में होता क्या है, कोई ट्रायंगल है और किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए जैसे यहाँ बी से कोई लाइन जा रही है जो एसी को डी पर काट दे रही है, अगर हमें इस तरीके से ए बी बी सी सी डी डी ए पता है तो बी डी को हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एक हम 60 लेंगे जो मैंने कलर किया, उसके बाद 80 ये नीचे वाला, इसका स्क्वायर करेंगे और सेम इसी तरीके से ये 40 लेंगे मल्टीप्लाइड बाई इधर वाला, ये 60 है इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इतना रहेगा, इज इक्वल टू करके हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें ए सी की फुल लंबाई यानी लेंथ 100, ब्रैकेट शुरू कर देंगे जो बी डी है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ये जो दोनों चीज़ें थी 60 और 40 ये और ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ हम ऐड कर देंगे। ये स्टीवर्ट थ्योरम होती है, स्टेटमेंट मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये यहाँ हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है इसको। तो अब हम क्या करते हैं, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू BD2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 40 यानी 2400। तो अब इसमें ये 64 36, तो ये फर्दर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 5280 और ये 2400 यानी कि 2880। हाँ याद आया, 2880 ही रहेगा। BD2=2880 यानी BD=24√5। तो स्टीवर्ट थ्योरम थी, यहाँ हमें कोई ज़्यादा खास दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम स्टीवर्ट थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। वो कहाँ करेंगे, वो ऐसे कि कोई ये ट्रायंगल है और कोई एक लाइन खींचती बीच में जाती है, इंटरसेक्ट करती है सामने वाली लाइन को, तो इन्हीं चारों पांचों साइड्स के बीच में जो है एक रिलेशन है, ये स्टीवर्ट थ्योरम। तो ये था हमारी फोर्थ अप्रोच, और अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट एंड फिफ्थ अप्रोच, मोस्ट अवेटेड यानी कि ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या हो सकती है। देखें आइए, ये सब आपके सामने ऑलरेडी आपको पता है, 60 60 40 80। ऐसा करते हैं कि जो पॉइंट ए है इसको सेंटर मानकर एक सर्कल 60 रेडियस का हम ड्रा कर देते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस लाइन को सी ए को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि ए सेंटर है, ध्यान रखें ए सेंटर है, अब अगर इस पॉइंट को मैं M ले लूं, तो MA=B60 होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम MB को मिला देते हैं। यहां अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दूर चले गए तो सवाल आपसे चार गुना ज्यादा दूर चला जाएगा, क्योंकि ये सेंटर है, एम ए सी जो है इसका डायमीटर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे, एक लाइन मैंने सी बी को आगे बढ़ा दिया है और एम से उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट एन है, तो अब आप यहाँ थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखिए, क्या ऑब्जर्वेशन में भी क्या मैं बताता हूँ, ए इसका सेंटर है सर्किल का, और
MAB यानी कि आइसोसेल्स होगा, ये दोनों एंगल हमने थीटा थीटा ले ली। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। अब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल गारंटी से थीटा होगा, ठीक। ऑल्टरनेट साइजमेंट थ्योरम, ये वैसे हम डायरेक्ट देख सकते हैं इसको। ये थीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा, ये यानी कि एंगल MBN, ठीक, क्योंकि ये NC एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल N हमारा परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल NMB भी थीटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होगी। अब मैं फर्दर कुछ इस पे स्टेप करता हूँ। यहाँ दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC है, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल MNC के। क्यों क्यों, ये आप खुद सोचिए कि क्यों। इसलिए MNC ट्रायंगल भी 3-4-5 वाला होगा। अब लेकिन हमको पता है कि MC की लेंथ जो है वो 160 है, MC = 160 है, इसलिए सीधा सीधा जो MN है वो कितना होगा, वो होगा 96 बाई सिमिलरिटी, ठीक। हमारी सिमिलरिटी की वीडियो आप में से कई लोगों ने नहीं देखी होगी, उन्हें यहाँ प्रॉब्लम होगी कि सिमिलरिटी में डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर पाता हूँ। इसलिए NB = 48, क्यों, क्योंकि NC हो जाएगा 128, इसलिए ये NB 48, ठीक। अब MNB को मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, मैं कुछ बात आपको समझाऊँगा। रुकिए, मैं इसे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, MNB, ये 48 है, ये MNB और MN 48 × 2 है, ठीक। तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, MB = होगा 48√5, ठीक। अब ये 48√5 है, ठीक। अब एक चीज़ आपको देखनी है, ट्रायंगल MNB और ट्रायंगल MBD, डी पॉइंट यहाँ है हमारा, ये दोनों सिमिलर होंगे। अब आप कहेंगे जी कैसे सिमिलर, क्योंकि मैं एंगल रेस्पेक्टेड एंगल आप देख सकते हैं 90 है, थीटा है, 90 माइनस थीटा, ठीक, इसलिए ये सिमिलर होंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि NB और MB इनका रेशो √5:1 है, इसलिए ट्रायंगल MBD में भी MD और BD का रेशो वही होगा, यानी BD√5 = 60+60 यानी 120 होगा, इसलिए BD = 24√5। तो ये सवाल हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपकी सिमिलरिटी के सारे बेसिक्स क्लियर हैं, सिमिलरिटी की वीडियो ही हमारी आप में से कई लोगों ने नहीं देखी, कोई बात नहीं, अब वो वही सोचेंगे कि ये कैसे होगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए इतना सब कुछ किया, अगर आपको सिमिलरिटी के बेसिक्स क्लियर है तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उस कंडीशन में आप सिर्फ ये फिगर ही ड्रॉ करेंगे जो मैंने किया, आप देखेंगे 48 और 96, ये √5 का रेशो है और ये दोनों सिमिलर हैं, तो सीधा सीधा 120/√5 यानी कि 24√5 BD हमारा आ जाएगा, समझे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और उसके 5 डिफरेंट अप्रोचेज क्या हो सकते हैं ये मैंने आपको बताए। मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर समझ आए होंगे, ना आए हो तो फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिए, देख सकते हैं। हमारी ये आज की वीडियो और हमारे कंसेप्ट आपका जो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड से कहें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, मैं आता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल।